सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड, ये अपने पास ये स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है और ये गाड़ी का जो प्रॉब्लम है अपना अनलॉक वर्क कर रहा है और लॉक वर्क नहीं कर रहा। तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, आप देख सकते हैं ये अपना ये लॉक का बटन काम नहीं कर रहा, इंडिकेटर वर्क कर रहा अपना, ये गाड़ी लॉक नहीं हो रही। और ये मैं यहाँ से लॉक कर देता हूँ और ये आप देख सकते हैं अपना अनलॉक वर्क कर रहा है। और एक बार बता देता हूँ, ये अपना अनलॉक वर्क कर रहा है, ये लॉक वर्क नहीं कर रहा, इंडिकेटर लग रहा है अपना। तो जैसे कि अपना ये अपना क्वार्टर पैनल लेफ्ट साइड में है, ये अपना क्वार्टर पैनल है, तो इसमें जो छोटा सॉकेट है इसके अंदर ये जो दो वायर है, ये एक और ये दो, तो ये दो वायर में अपन अर्थिंग देने के बाद ये लॉक अनलॉक वर्क करता है। जैसे कि ये ब्लू जो है ये लॉक वाला है और ये अनलॉक वाला है। तो ये अपन चेक कैसा करने का है बोले तो ये आप देख सकते हैं, ये अपना एक टेस्टिंग बल्ब लेना है अपने को और इस तरीके से चाबी के अंदर घुसा देना है इसको। और अपने को दूसरा हिस्सा लेना है इसका, ये आप देख सकते हैं अपना ये लॉक वर्क नहीं कर रहा। तो ये लॉक वर्क नहीं कर रहा और ये अनलॉक में डालने के बाद अनलॉक वर्क करता है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ इधर से गाड़ी लॉक करके, और अब देख सकते हैं यहाँ पे मैं लगाने के बाद ये गाड़ी अपना अनलॉक होता है, ये लॉक वर्क नहीं कर रहा। तो इस वायर में प्रॉब्लम है, तो अभी अपने को ये लेफ्ट साइड का, जैसे कि ये राइट साइड में मैं ये पैनल खोल के वायरिंग निकालूं, ये आप देख सकते हैं ये अपना ये दो वायर है, एक अनलॉक है और ये लॉक है, सेम वायर है वहाँ पे भी। तो अभी मैं आपको ये छिल के बताता हूँ। तो ये लेफ्ट साइड का मैं खोल के पूरी वायरिंग निकाल दूँ और इसमें लॉक अनलॉक के ये दो वायर है अपना, ये लॉक वाला है और ये अनलॉक वाला है। तो जैसे कि मैं अभी ये लॉक करके लॉक नहीं हो रहा, तो जैसे कि मैं ये अर्थिंग लगा दी हूँ और यहाँ पे अपने वो दो वायर है, ये अनलॉक और ये लॉक, तो ये लॉक की वायर मैं निकाल दी हूँ बाहर। ये लॉक की वायर है, अनलॉक तो वर्क कर रहा है अपना, जैसे कि मैं अभी बता दूँ ये अनलॉक हो गया और ये लॉक की वायर है, ये अपना लॉक भी वर्क कर रहा। तो इस वायर में प्रॉब्लम है, तो हम ये वायर अभी मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट लगा के बताता हूँ। ये जैसे ये सेम वायर है वहाँ पे ब्लू वाला, तो ये मैं इस तरीके से चुप टच करे सो। तो अभी मैं आपको लॉक अनलॉक करके बताता हूँ गाड़ी, ये अभी ये अनलॉक और ये लॉक, अपना इंडिकेटर भी वर्क कर रहा है। तो अभी मैं आपको ये वायरिंग लगा के बताता हूँ, ये तो मैं सिर्फ ऊपर से वायरिंग लिए सो है, क्योंकि वो इस एक वायर में प्रॉब्लम आए कहीं तो अंदर पे,
इस वजह से ये अपना सिर्फ इंडिकेटर लग रहा था लॉक के ऊपर, तो ये अपना दोनों भी अब वर्क कर रहा है। तो मैं कंप्लीट करके बता दूँ, तो इस तरीके से वायर लेके यहाँ पे मैं एक फ्यूज़ लगा दी हूँ इसको। अगर कुछ प्रॉब्लम होता तो ये फ्यूज़ शॉर्ट हो जाता। तो ये अपना पूरा कंप्लीट हो गया। ये सब कंप्लीट हो गया अपना, और अपना वर्क भी कर रहा है लॉक अनलॉक।